कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायपुर में पार्टी अधिवेशन से पहले फिर एक बात को लेकर अड़ गए हैं। दरअसल इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन होना है। राहुल चाहते हैं कि जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, वैसे ही वर्किंग कमेटी के लिए भी चुनाव हो। इतना ही नहीं, वे इस बात पर भी अड़े हैं कि उनके परिवार से कोई एक सदस्य ही इसके लिए निर्वाचित होने की कोशिश करेगा। हालांकि परंपरा के तहत पार्टी के तमाम पूर्व अध्यक्षों को CWC का मेंबर बनाया जाएगा। इससे राहुल और सोनिया गांधी की कमेटी के लिए दावेदारी बनती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सोनिया पार्टी की सर्वोच्च बॉडी से खुद को अलग कर सकती है। प्रियंका गांधी की भी वर्किंग कमेटी की खातिर चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है, लेकिन पार्टी महासचिव होने के कारण वह वर्किंग कमेटी की आमंत्रित सदस्य रहेंगी और इसकी बैठक में शामिल हो सकती हैं। वहीं सम्मेलन के बाद सबसे बड़ा बदलाव संगठन के स्तर पर होगा। संगठन महासचिव से लेकर कई प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी बदले जाएंगे। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की जगह राजस्थान के एक सीनियर नेता के नाम को लेकर काफी चर्चा चल रही है। वह गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल की ये जिद पूरी होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।